प्रज्ञा ठाकुर जी राधे राधे महाराज जी, हमें किस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए? देखो अब हम बता रहे हैं कि किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। पति पत्नी जब सोएं तो दोनों का सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज होते हैं और हम अपने पूर्वजों के ओर पांव करके सोएं तो यह अपराध है। पति पत्नी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? और पढ़ने वाले बच्चों को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? पूर्व। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किस दिशा में सिर करना चाहिए? पूर्व दिशा में, और सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और मुर्दे को किस तरफ सिर करना चाहिए? ना जी, दक्षिण में तो पति पत्नी को करना चाहिए। मुर्दे को चिता पर जब मुर्दा जलता है तो किस दिशा में सिर होता है? हाँ, उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, अब बची कौन सी दिशा? पश्चिम। तो जो पश्चिम की दिशा है उस दिशा में कोई सिर कर ले या ना करे उसका कोई बहुत लाभ और नुकसान नहीं है। जो अधिक लाभ की दिशाएं हैं, सिर पति पत्नी का दक्षिण, बच्चों का विद्यार्थियों का पूर्व, मुर्दे का उत्तर, पश्चिम ठीक है, बीचों बीच कोई सो जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर ना सोए तो ज़्यादा अच्छा। क्यों जी? अब घर की आपकी सिटिंग यदि है ऐसी कि आपका सिर पश्चिम दिशा में ही होगा तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है, सो सकते हैं, पर बेस्ट दिशाएं जो थी मैंने कह दिया। नेहा अहिरवार जी राधे राधे महाराज जी, यह कहावत प्रचलित है कि रावण के भाई ने श्री राम जी से मिलकर अपने ही भाई का वध करा दिया, क्या यह उचित था? ना जी, यदि विभीषण राम को सपोर्ट ना करता, समर्थन ना देता, तो भी राम जी रावण को मारते। राम जी तो त्रिकालज्ञ हैं, क्या राम जी को नहीं पता था कि रावण की नाभि में अमृत है? पता था, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, भगवान तो अपने भक्तों को आगे रखते हैं। विभीषण से कहा, भैया तुम ही बताओ कैसे मरेगा ये? तब से ये कहावत हो गई, घर का भेदी लंका ढा है, कहावत हो गई ना। तो विभीषण जी ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत भरा है, मार दो। राम जी ने मार दिया। कुल मिला के विभीषण क्या सपोर्ट करेंगे साहब, वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, वो परमात्मा है, उन्हें किसी विभीषण की जरूरत, हनुमान जी की भी जरूरत नहीं थी, पर वो अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं, अपने भक्तों को अपने से आगे रखते हैं, इसलिए वो भगवान है, नहीं तो उन्हें किसी की जरूरत, भगवान है वो।